देश में दौड़ेगी ड्राइवरलेस मेट्रो, खास तकनीकों से बनी मेट्रो, मनोवैज्ञानिकों ने जताई चिंता पर मुसाफिर उत्साहित। देश विकास की राह पर है, इसके सबूत का तो अब इंतजार नहीं, क्योंकि कई सारे काम ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे देश अन्य देशों से आगे निकलता जा रहा है। फिर चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का हो या फिर कोई और, भारत हर तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़े ही दिन पहले बुलेट ट्रेन का प्लान सार्वजनिक हुआ, तो अब ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी मिल गई है, जो गवाही भरते हैं कि आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। वन नेशन वन कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन परिचालन सेवा का उद्घाटन किया। इस सिस्टम में ट्रैक की कमी पहचानने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म के साथ कई एडवांस तकनीक का इंतजाम किया गया है। सेवा की शुरुआत 37 किलोमीटर लंबे मैजेंटा रूट पर होगी, जो बोटैनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आने वाले समय में पूरे देश की मेट्रो में किराया भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देश के किसी भी शहर की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। कैसे चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो? 28 दिसंबर से मैजेंटा लाइन पर चालक रहित ट्रेन ऑपरेशनल मोड के जरिए मेट्रो चली। इस मोड में गाड़ियों को डीएमआरसी ने 3 कमांड सेंटरों से पूरी तरह से नियंत्रित किया, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। संचार आधारित ट्रेन नियंत्रित सिग्नलिंग तकनीक से ट्रेनों का चलाया गया। कमांड सेंटरों पर ट्रेन के उपकरणों की निगरानी रियल टाइम की निगरानी की गई। कमांड सेंटरों पर ट्रेन के उपकरणों की निगरानी रियल टाइम में की जाएगी। जब तक डीएमआरसी यूटीओ मोड में नहीं जाता, तब तक मेट्रो में ऑपरेटर होंगे जो आपात स्थिति में ऑपरेट करेंगे। हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाने के बाद मेट्रो ड्राइवर के लिए बनाए गए कैबिनों को भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा और सभी नियंत्रण पैनलों को कवर किया जाएगा। फिलहाल मेट्रो में जो कैमरे लगे हैं उनसे पटरियों पर कोई फॉल्ट का पता नहीं लग पाता है। मनोवैज्ञानिकों ने जताई चिंता। ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इस महसूस करने के लिए यात्री भी बेहद उत्साहित हैं। ज्यादातर लोग ड्राइवरलेस मेट्रो में यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने से डर रहे हैं। उनका अनुभव डर कर हो सकता है, जिन्हें बेचैनी और एंजाइटी की शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद लोगों के मन से ये डर भी निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।